तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं यहां से आपको वार्षिक परीक्षा 2023 कक्षा 10वीं के संस्कृत विषय का फुल सॉल्यूशन आपको देने वाला हूं। तो प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी लोगों से अनुरोध है हमारा कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लें। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपको जो क्वेश्चन और उत्तर बताने वाला हूँ आप सभी लोग इनको बिल्कुल अच्छे से याद जरूर कर लेंगे क्योंकि आपके सेट पेपरों में यही छापे गए हैं। इसलिए आप सभी लोग इनको ध्यानपूर्वक जरूर देखें और एक एक प्रश्न को आप लोग बिल्कुल अच्छे से नोट कर लें और आप सभी लोग इनका रिवीजन बहुत ही अच्छे से कर लेंगे ताकि आप सभी की परीक्षाओं में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपको संस्कृत विषय की तैयारी के लिए कितना पढ़ना चाहिए और आप सभी को इसको किस प्रकार से पूरा तैयार कर लेना है। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपको हाईस्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2023 संस्कृत विषय के लिए कितनी तैयारी करनी होगी और आप सबको इसके लिए कितना पढ़ना होगा। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं यहां से आपको पूरा का पूरा इसका सॉल्यूशन बताने वाला हूं। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपके उस पेपर का पूरा सॉल्यूशन। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये कक्षा 10वीं की वार्षिक परीक्षा के लिए संस्कृत विषय की प्रश्न बैंक है। वैसे तो प्यारे विद्यार्थी हो सकता है कि आपके पास में आ गई होगी और अगर नहीं आई है प्यारे विद्यार्थियों तो आप सभी लोग कहीं से भी इसका अरेंजमेंट करके आप लोग इसी में से तैयारी करें क्योंकि आपका पूरा जो पेपर है वो प्रश्न बैंक में से ही बनाया गया है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर भी मैं आपको लिंक दे दूंगा टेलीग्राम चैनल की, आप लोग यहाँ से टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाए और वहाँ से आप सभी लोग इस संस्कृत विषय की प्रश्न बैंक को आसानी से डाउनलोड कर पाओगे। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये इकाई एक है जिसमें कि आपसे विशेषणम विशिष्ट पूछे गए हैं। देखिएगा ये बिल्कुल इसमें से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, विशेषणम क्या होता है और विशेष क्या होता है। तो यहाँ से आप लोग इसको देख लें और उसके बाद में कुछ ये लिखे हैं इनको देख लें, आप सभी लोग इनको अच्छे से देख लें। इनमें से एक क्वेश्चन बिल्कुल आपसे पूछा जाएगा और प्यारे विद्यार्थियों इसके बाद में टोटल 20 हैं और ये 20 के ही उत्तर लिखे हैं। तो आप लोग यहाँ से इन प्रश्नों के उत्तरों को नोट कर लेंगे अच्छे से। देखिएगा पूरा का पूरा मैंने 20 आपको यहाँ से बता दिए हैं और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, इकाई दो को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इकाई दो में से भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जैसे कि ये क्वेश्चन सलिलम इतस्य पर्याय पदम। तो देखिएगा इसका उत्तर आपका नीरम आ जाएगा। इस प्रकार से आप सभी लोग इसको देख लें और समझ लीजिएगा, टोटली प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में इसी प्रकार के पूछे जाएंगे और ये लिखे हैं प्यारे विद्यार्थियों इनके उत्तर। तो इन सभी के उत्तरों को आप लोग यहाँ से इसको नोट कर लें अच्छे से, टोटली ये इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में आपसे पूछे जाएंगे। और इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, इकाई तीन को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको पूरा का पूरा जोड़ी मिलान दे रखा है, आप लोग इस जगह से जोड़ी मिलान को अच्छे से देख लेंगे और समझ लेंगे। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इकाई तीन में पूरा जोड़ी मिलान दे रखा है। तो देखिएगा इसमें से आप लोगों को इसको पूरा देख लेना है, पहले एक बार में आप लोग पूरी जोड़ी को देख लें, टोटल 15 जोड़ी है प्यारे विद्यार्थियों। अगर आपने इसको पूरा कंप्लीट कर लिया तो एक भी जोड़ी आपकी बाहर नहीं जाएगी, इसलिए आप सभी लोग इसको अच्छे से तैयार जरूर कर लें। इकाई तीन में जो जोड़ी दे रखी है इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लेंगे और देखिएगा इसका मिलान किस प्रकार से करना है। तो देखिएगा ये पूरा का पूरा इसका सही वाला जोड़ी मिलान इस जगह पर किया गया है, आप लोग यहां से इसको देख लेंगे और इसको समझ लें आप सभी लोग। और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, तो ये इकाई चार दे रखी है, यहां से आप लोग इकाई चार को भी देख लेंगे अच्छे से और देखिएगा ये इस प्रकार से आप लोग देख लें, ये पूरा का पूरा इससे पूछा गया है इस प्रकार से और आगे ये लिखा है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये जो इकाई चार लिखा गया है इसमें टोटल आपसे 15 पूछे गए हैं ये, और ये इन 15 के ही उत्तर लिखे हैं। तो यहाँ से आप लोग इनको देख लेंगे और समझ भी लेंगे। और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, तो देखिएगा ये आपसे यहाँ पर ये पूछा गया है, शुद्ध वाक्यानाम समक्ष आम, अशुद्ध वाक्यानाम समक्ष ना इति लिखकर। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपसे आम ना पूछे गए हैं, तो आप लोग इस जगह से आम ना को देख लेंगे पूरे, ये आम ना प्यारे विद्यार्थियों पूरे के पूरे आपके 15 लिखे गए हैं, आप लोग इस जगह से इसको देख लेंगे और समझ लेंगे। और देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आम ना में से एक भी आपका आम ना गलत नहीं होगा क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों टोटली आपसे जो 6-7 आम ना पूछे जाएंगे वो इसी जगह से पूछे जाएंगे। तो इसलिए आप सभी लोग यहां से इसको अच्छे से नोट कर लेंगे, तो इस जगह से आप सभी लोग आम ना को नोट कर लें और ये सभी के सभी आम ना के उत्तर दिए गए हैं, आप लोग इस जगह से इनके उत्तरों को देख लेंगे, आम और ना के उत्तरों को। और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, तो ये इकाई 6 से लेके 11 तक के प्रश्न हैं, इसमें से आप लोग इनको पढ़ जाना, बिल्कुल आप सभी को इसको अच्छे से पढ़कर जाना है। आदो लिखतेसु प्रश्नेसु उत्तराणी संस्कृत भाषा लिखत, यानी कि आपको इन प्रश्नों के उत्तरों को संस्कृत भाषा में लिखकर बताना है। तो आप सभी लोग इस जगह से देख लें, केसा माला रमणिया और क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 सभी के सभी क्वेश्चन को आप लोग यहाँ से पढ़ लीजिएगा,
टोटली प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये 15 क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, 15 में से एक भी आपका भार नहीं जाएगा। आपको ज़्यादा कुछ भी पढ़ाई नहीं करनी है, सिर्फ इन्हीं को अच्छे से पढ़ लेना है और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा ये सभी के सभी इनके उत्तर लिखे गए हैं, आप लोग इस जगह से इन सभी उत्तरों को नोट कर लेंगे। तो देखिएगा 15 के 15 ही इनके उत्तर लिखे गए हैं, आप लोग इस जगह से इन सभी उत्तरों को नोट कर लेंगे। और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, इकाई 12 को देखते हैं। इकाई 12 में आपसे क्या पूछा गया है, यहाँ से आप लोग इसको देख सकते हो। गुणी गुणम जानति, इसको बहुवचन में बनाना है। पशु उदीरितम अर्थ गृहता, इसको कर्मवाच्य बनाना है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इनको आप किस प्रकार से बना लोगे। ये सभी के सभी इनके उत्तर लिखे गए हैं, यहाँ से आप लोग इन सभी के उत्तरों को नोट कर लेंगे। तो देखिएगा इस प्रकार से आप सभी लोग इनके उत्तरों को नोट कर लें। और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, तो देखिएगा ये इकाई 13 की है, जिसमें कि ये बिल्कुल आपसे पूछा जाएगा किसने किससे कहा। तो देखिएगा यहाँ से आप लोग इसको देख लेंगे, का कतियति कम कतियति, यानी कि किसने किससे कहा। तो देखिएगा ये आप सभी लोग इसको देख लें, ये टोटली 10 है, इनमें से बिल्कुल आपसे 2-3 पूछे जाएंगे पेपर में। तो देखिएगा ये इन सभी के उत्तर लिखे हैं कि किसने किससे कहा था। जैसे कि आप लोगों को ये देखना है, जैसे कि ये पहला वाला फर्स्ट वाला लिखा है, वस्तुतः वनराजा भवितु अहम योग्यम। तो देखिएगा ये किसने कहा था, ये कौवे ने कहा था, किससे कहा था, वानर से। तो इस प्रकार से आप सभी लोग इसको देख लेंगे और समझ लेंगे। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इकाई 14 में से आपको क्या क्या चीज़ें याद कर लेनी है। स्थूल पदानाम प्रश्न निर्माण कुरुत, यानी कि आपको जो यहाँ पर रेखांकित किया गया है इसके आधार पर आपको प्रश्न का निर्माण करना होगा। तो देखिएगा प्रश्न निर्माण किस प्रकार से कर लेंगे आप लोग, यहाँ से इसको देख लें और इसको समझ लीजिएगा। तो देखिएगा ये टोटली 15 आपसे पूछे गए हैं और ये 15 के उत्तर लिखे गए हैं। तो आप लोग इस जगह से इनके प्रश्नों का निर्माण कर लेंगे और 15 टोटल आपको दिए गए हैं, इन सभी के आधार पर आप लोग प्रश्न का निर्माण कर लेंगे। और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, तो देखिएगा ये जो क्वेश्चन लिखे हैं, अशुद्ध कारक वाक्य। तो देखिएगा अशुद्ध कारक वाक्य दिए गए हैं, आप लोग इसको देख सकते हो, राम पुस्तकम पठसी। तो देखिएगा ये सभी के सभी अशुद्ध है, यहाँ से आप लोग देख लें और इनको समझ लें। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये सभी के सभी इनके उत्तर लिखे गए हैं, आप लोग यहाँ से इनको देख लेंगे और समझ लेंगे। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, टोटल ये 10 के 10 ही उत्तर इस जगह पर दिए गए हैं। और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, तो ये इकाई 16 लिखी है। इकाई 16 में आपका क्या आएगा, देखिएगा आपके पेपर में वैसे इकाइयाँ नहीं आएगी, आपके उसमें सिर्फ प्रश्न उत्तर ही पूछे जाएंगे, मगर यहाँ पर प्रश्न बैंक में कुछ इकाइयाँ यहाँ पर टॉपिक को समझाने के लिए अलग अलग दी गई है। तो देखिएगा ये आपको एक इस प्रकार का पेसेज देखने को मिलेगा, पद्यांश, और उसमें से कुछ प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो यहाँ से आप सभी को इन प्रश्नों के उत्तरों को लिखना है, देवलाक्यो ग्रामे को वस्तिस्म। तो देखिएगा यहाँ पर इसका उत्तर लिखा है, अस्ति देवलाक्यो ग्रामे तत्र राज सिंह नाम राजपुत्र वस्तिस्म। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा है, तस्य भार्या का आसीत। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका भी उत्तर इसी जगह पर कहीं पर आपको मिल जाएगा, तस्य भार्या बुद्धिमती आसीत। तो देखिएगा ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप सभी लोगों को इसका सॉल्यूशन तैयार कर लेना है। ये सभी के सभी प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग देख सकते हो इनके उत्तर दिए गए हैं। और उसके अलावा दूसरा पेसेज ये दिया गया है, जिसमें से आपसे 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये इनके उत्तर लिखे हैं। तो आप लोग इनको मोटा मोटा जरूर देख लें, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों ये ऐसी चीज़ें होती है कि अगर आपने साल भर कुछ भी पढ़ाई नहीं करी है तो भी आप लोग इसमें अच्छे से पास हो सकते हो, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों पेसेज के जो उत्तर हैं उसी पेसेज के भीतर मिल जाते हैं। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, कृष्का काव्याम चित्राणि कुणवंती। तो देखिएगा पूरा का पूरा उत्तर यहाँ पर आपको मिल जाएगा। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 ये पूछा गया है, इसको भी आप लोग देख सकते हो। ये क्वेश्चन नंबर 3 के सभी प्रश्न पूछे गए हैं और ये इनके उत्तर लिखे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोग इसको इस प्रकार से तैयार कर लेंगे। आगे अगला क्वेश्चन ये लिखा है, देख सकते हो यहाँ पे, और ये इनके उत्तर लिखे हैं। और इसके बाद में और आगे बढ़ते हैं, तो 5वां पेसेज ये दिया गया है और ये नीचे उनके उत्तर लिखे हैं। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, 5 ही पेसेज आप सभी के लिए काफ़ी होंगे, आप लोग यहाँ तक का इसको देख लें और पूरा समझ लेंगे। और उसके बाद में यहाँ से आप लोग देख सकते हो, ये आपसे एक क्या पूछा गया है, एक आपको इस प्रकार का वो दिया जाएगा आपको, यानी कि श्लोक। और श्लोक में से फिर आपसे क्या पूछा जाएगा, इन प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर आपसे पूछे गए हैं, देख सकते हो यहाँ पे ये एक श्लोक दे रखा है और ये फिर इसमें से प्रश्न पूछे गए हैं और ये फिर इनके उत्तर लिखे हैं। तो आप लोग यहाँ से इस प्रकार से इसको देख लेंगे। अगला श्लोक ये लिखा गया है, देख सकते हो ये पूरा का पूरा श्लोक दिया गया है, ये श्लोक में से प्रश्न पूछे गए हैं और ये इनके उत्तर लिखे हैं। तो आप लोग इन श्लोकों को भी याद कर लेंगे। कम से कम प्यारे विद्यार्थियों आपको 4 श्लोक याद कर लेने चाहिए, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों 3 श्लोक तो आपके पेपर में आएंगे, वैसे 3 नहीं 2 आएंगे, तो 2 वैसे आपको लिखने को बोला जाएगा। तो आप लोग इनको अच्छे से याद जरूर कर लें। और देखिएगा ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछे गए हैं, ये इनके उत्तर लिखे हैं। और आगे बढ़ते हैं, तो देखिएगा आगे ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें 3 क्वेश्चन आपको इसमें से पूछे गए हैं और ये इनके उत्तर लिखे हैं।
तो देखिएगा ये श्लोक है, आप सब लोग इन श्लोकों को अच्छे से पढ़ लेंगे। देखिएगा पांच तो आपके मैंने आपको पद्यांश गद्यांश बता दिए और पांच इसको आप लोग पद्यांश समझ लें। तो देखिएगा ये आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है, ये आपके पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। और आगे बढ़ते हैं तो देखिएगा यहाँ पर एक नाटक दिया गया है और इसमें से आपको प्रश्न उत्तर पूछे गए हैं। तो देखिएगा ये थोड़ा सा ये पंक्तियाँ दे रखी है, इसमें से तीन प्रश्न पूछे गए हैं और ये इन प्रश्नों के उत्तर लिखे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप लोग अपने इस प्रश्न बैंक को अच्छे से याद जरूर कर लें। और आगे बढ़ते हैं तो देखिएगा तीन क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछे गए हैं और उसी के नीचे इन तीनों प्रश्नों के उत्तरों को लिखा गया है। और उसके बाद में अगला ये लिखा है, ये नाट्याक्ष होते हैं, इसमें से आपसे इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, ये प्रश्न पूछे गए हैं और उसी के नीचे ये इनके उत्तर लिखे हैं। और आगे बढ़ते हैं तो प्रश्न नंबर 19 को देख लें, यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, रिक्त स्थानानी पूरियत। तो देखिएगा रिक्त स्थान पूर्ति भी आप लोग इस प्रकार से देख लेंगे, पहले आप लोग पूरा यहाँ से इसको देख लें रिक्त स्थान पूर्ति को और ये इनके उत्तर लिखे गए हैं। और उसके बाद में प्रश्न नंबर 20 को देख लें, इसमें इस प्रकार से आपको ये प्रार्थना पत्र लिखना है। देखिएगा प्रार्थना पत्र भी मैं आपको बता देता हूँ, तो पहले आप लोग इन इन प्रार्थना पत्रों को अच्छे से नोट कर लें। आपकी जो संस्कृत विषय की पुस्तक होगी उसमें आपको प्रार्थना पत्र दे रखे होंगे, तो एक तो अवकाश प्रार्थना पत्र आप लोग याद कर लेंगे और दूसरा जो है आपको ये याद कर लेना है, ये आपके पेपर में आपको देखने को मिल जाएगा। और देखिएगा आपको एक ये अपठित गद्यांश भी देखने को मिलेगा पेपर में। आपका पूरा जो पेपर है प्यारे विद्यार्थियों संस्कृत विषय का, वो 100% पूरा का पूरा आपका प्रश्न बैंक के भीतर से ही बनाया गया है। तो आप लोग अब केवल बहुत ही कम समय बचा है, तो ऐसे में आप सभी लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि आप सभी लोग अब प्रश्न बैंक से ही पढ़ाई करें, क्योंकि पूरा का पूरा आपका जो पेपर होगा वो प्रश्न बैंक में से ही पूछा जाएगा आपसे। तो देखिएगा ये जो पेसेज दिया गया है इसके उत्तर आप लोग इस प्रकार से पूरे देख लेंगे, ये इन सभी के उत्तर लिखे गए हैं। और उसी के नीचे ये दूसरा पेसेज दिया गया है, इसको भी आप लोग लिख लेंगे, ये दूसरे पेसेज के सभी उत्तर लिखे गए हैं। और उसके बाद में ये इनके उत्तर लिखे हैं। और ये क्वेश्चन नंबर तीसरा पूछा गया है, इसको भी देख लेंगे, ये क्वेश्चन नंबर तीन के सभी प्रश्न हैं और ये इनके उत्तर लिखे हैं। ये पेसेज नंबर चार हैं और ये इसका सॉल्यूशन है, यहाँ पर ये प्रश्न पूछे गए हैं और ये इनके उत्तर लिखे हैं, तो यहाँ से भी आप लोग देख लेंगे। और अगला ये देखिएगा इकाई 23 में आपसे निबंध पूछा जाएगा, तो एक तो खासकर आप लोग संस्कृत भाषा का निबंध याद कर लें और एक महाकवि कालिदास का कर लें। देखिएगा वैसे अगर आप चाहते हो कि सिर्फ एक ही निबंध याद करें तो संस्कृत भाषा का निबंध आप याद कर लें, ये बिल्कुल आपकी जो पुस्तक होगी उसके पीछे वाले भाग में दे रखा होगा, आप लोग वहाँ से इसको अच्छे से याद कर लेंगे। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।